मैं शताब्दी शताब्दी द किचन्स में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। ये मैंने इसलिए बनाया है कि कल गणेश चतुर्थी है, तो आप लोगों के यहाँ सबके यहाँ कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनता है, तो मैंने भी आज बेसन के लड्डू बनाकर तैयार किया है। तो ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत इजीली बन जाता है। इसके लिए किसी ज़्यादा चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग देख ही रहे हो कि कितना अच्छा बेसन के लड्डू जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि ये रेसिपी मैं कैसे बना रही हूँ और ये पूरी की पूरी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले 2 कप बेसन ले लूंगी मैं। एक कप चीनी जो है वो अच्छे से पीस लिया है वो ले लूंगी। ले लूंगी यहाँ घी। घी मैं एकदम से नहीं डालूंगी, जैसे जैसे यूज करूंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने 1/2 कप घी ले लिया है। मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई में मैं बनाऊंगी, तो नॉनस्टिक की कढ़ाई थोड़ा गर्म होने के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसमें पहले मैं 2 चम्मच घी ले लूंगी। एकदम से बहुत सारा घी डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लड्डू जो है वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब इसमें बेसन डालती हूँ और गैस का फ्लेम जो है वो मैं सिम कर दूंगी और इसको धीरे धीरे इस तरह से भूनना शुरू करूंगी। जो जो गुठलियां, जैसे जैसे गुठलियां इसमें बनती जाएंगी उसको मैं इस तरह से तोड़ती भी जाऊंगी और धीरे धीरे इसको फ्राई करती जाऊंगी। बीच बीच में 1 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डालना है और इसको फिर से हिलाते हुए भूनना है। अगर आप एक ही साथ घी डाल के बेसन को भूनेंगे तो लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे, खस्ते नहीं बनेंगे और एकदम ही बेसन को आप अच्छे से भून नहीं पाओगे, क्योंकि घी डालकर अगर बेसन डालते हैं तो वो गीला गीला हो जाएगा, तो आप अच्छे से इसको भून नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसको भूनना है। पूजा के पहले गणेश चतुर्थी आती है, मतलब गणेश जी की पूजा सबसे पहले शुरू की जाती है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ बेसन कुछ मीठा बनाऊं, तो इसलिए मैं आज बेसन के लड्डू बना रही हूँ जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आपको लगेगा कि घी की जरूरत है तो इसमें आप डालते जाइए। बेसन में जब तक मॉइस्चर नहीं आएगा तब तक ये लड्डू आराम से नहीं पकेंगे, मतलब आप लड्डू नहीं बना सकते। तो इसी तरह से धीरे धीरे घी डालते हुए आपको बेसन को भूनना है ताकि बेसन अच्छे से भुन भी जाए और जब मैं लड्डू बनाऊं तो वो अच्छे से बन भी जाए। इस तरह से देखिए, इनको इस तरह से तोड़ते हुए आपको भूनना है, ये नहीं कि गुठलियां रह जाए। करीब 20 मिनट तक इसको इसी तरह से भूनना होगा। एक अच्छी सी बेसन भूनने की जो एक खुशबू आती है वो आने लगी है,
बेसन के लड्डू खाने में जितनी टेस्टी बनती है उतनी ही कम इंग्रेडिएंट्स में ही ये तैयार हो जाती है। इसके लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों, इसको छोड़ के एक बार भी जाना नहीं है, वरना ये चिपकने का डर रहता है। तो इसको इसी तरह से हिलाते हुए करीबन 20 मिनट तक आपको भूनना है, ताकि बेसन जो है वो कच्चा ना रह जाए। आपको देख के पता लग ही रहा है कि देखिए इसमें ये अच्छे से भुन भी रहा है, और इसमें से देखिए ये इसमें मॉइस्चर भी नजर आ रहा है। दो कप बेसन में आपको आधा कप घी की जरूरत पड़ेगी, बस उसी को बीच बीच में डालते हुए इसी तरह से भूनना है। देखिए ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं क्या करूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी। अब थोड़ी देर और भून लूंगी इसमें। देखिए दोस्तों, इसको मैं उस पैन से मतलब कढ़ाई से, जो नॉनस्टिक की कढ़ाई है, उससे निकाल के मैं प्लेट में रख लूंगी। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए ताकि मैं इसको लड्डू बना सकूं। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसमें मिलाऊंगी जो मैंने शुगर जो है पीस के रखा था, वो मिक्स कर दूंगी। अब इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए थोड़ा सा ठंडा इसीलिए करना होता है ताकि शुगर इसमें डालने के बाद जो है वो गल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं हम। अब इसको अच्छे से, जैसे अब ये मिक्स हो गया है, तो अब मैं बना के देखूंगी कि इसके लड्डू बन रहे हैं कि नहीं है। बन तो जा रहे हैं, पर इसमें मैं थोड़ा सा और एक चम्मच घी डालूंगी। एक चम्मच मैंने और घी डाल दिया इसमें, फिर इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस लड्डू बनने चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं लड्डुओं को बनाऊंगी। देखिए ऐसे लेना है और अच्छे से थोड़ी देर दबा लेना है। बस इनको गोल गोल करना है, एक सुंदर सा शेप दे दीजिएगा गोल करके। बस इसमें रखते जाना है इस तरह। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे करना है और इसको शेप देना है गोल। आप हाथ में थोड़ा सा देसी घी भी लगा सकते हो। देखिए शेप आप चाहे कुछ भी दो, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाइए, ये आपके ऊपर है। लड्डू तो सभी को बनाना आता है, तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं एक एक लड्डू बना बनाकर अब रखती जाऊंगी।
इसको अब मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी या आप फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है, मैंने 15 मिनट रखा था। तो अब मैं इसके ऊपर मैंने बादाम काट के रखा है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स काट के इसको गार्निश कर सकते हैं। तो देख ही रहे हैं दोस्तों कि बेसन के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। कल ही गणेश चतुर्थी है तो इसी पर्पस के लिए ये मिठाई मैंने बनाई है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर कर दीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर देते हैं तो मेरी नई नई रेसिपीज की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो।